तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम लोग इस फोटो को कलर ग्रेडिंग करने वाले लाइटरूम मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर में। तो सबसे पहले गाइस, आप लोग को आ जाना है एडिट वाले ऑप्शन पे और यहाँ पे आ जाना है कलर वाले ऑप्शन पे। तो कलर पे आपको दिख रहा होगा स्टैम्प का ऑप्शन, तो टैम्प को हम लोग ना सबसे पहले तो कर लेंगे एडजस्ट। तो टैम्प को मैंने कर लिया यहाँ पे गाइस +12 और यहाँ पे वाइब्रेंस को भी बढ़ा के कर देंगे +34। उसके बाद हम लोग लाइट वाले ऑप्शन पे जाएंगे और इसके कंट्रास्ट को कर देंगे -15 और हाइलाइट्स को भी गाइस कर देंगे यहाँ पे -34 और शैडो को कुछ बढ़ा देंगे 46 और वाइट्स को कर देंगे माइनस और ब्लैक्स का तो यहाँ पे कोई काम ही नहीं है। वैसे ब्लैक्स को मैं ना थोड़ा सा प्लस कर देता हूँ +14। उसके बाद गाइस हम लोग आ जाएंगे कलर वाले ऑप्शन पे और यहाँ पे एक ऊपर करिएगा तो आपको एक छोटा सा सर्कल दिख रहा होगा, तो इस सर्कल पे आप लोगों को प्रेस कर देना है। तो सबसे पहले हम लोग आएंगे ऑरेंज कलर पे और इसकी लुमिनस को एडजस्ट कर लेंगे थोड़ा सा प्लस की साइड और यहाँ पे सैचुरेशन को कर दूंगा मैं डाउन और यहाँ पे लुमिनस को कर दूंगा प्लस कुछ इतना। उसके बाद गाइस आप लोग को आ जाना येलो वाले ऑप्शन पे और यहाँ पे इसकी ह्यू को कर देनी -100, सेचुरेशन को कर देनी -100। उसके बाद ग्रीन वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे ह्यू को कर देंगे -100 और सेचुरेशन को कर देंगे यहाँ पे गाइस -100। उसके बाद इस वाले नेक्स्ट वाले कलर पे जाएंगे, इसकी सिर्फ सेचुरेशन को करेंगे -100। उसके बाद हम लोग ब्लू कलर पे जाएंगे गाइस और इसकी भी सेचुरेशन को कर देंगे -100 और सिंपल से गाइस यहाँ पे कर देंगे डन। उसके बाद गाइस आप लोगों को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कलर ग्रेडिंग का ऑप्शन। तो सबसे पहले हम लोग शैडो वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे इस वाले ऑप्शन को ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे गाइस ह्यू को मैंने रखा 206 और सेचुरेशन को 21। उसके बाद गाइस आप लोगों को हाईलाइट वाले ऑप्शन पे जाना है और इसकी भी ऑप्शन को ना फिल कर लेनी है। तो यहाँ पे मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा फोटो, तो सेम मैं ऐसे करके एडजस्ट कर लेता हूँ। तो ह्यू है गाइस 63 और यहाँ पे सैचुरेशन है 68। तो थोड़ा सा इसको ब्लेंड करने की मैं कोशिश करता हूँ, तो ब्लेंड को गाइस मैं कर दे रहा हूँ यहाँ पे ब्लेंडिंग को 45। उसके बाद गाइस यहाँ से हम लोग कर देंगे डन। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा एक इफेक्ट का ऑप्शन। तो बिगनेट को यहाँ पे मैं गाइस कर दूंगा माइनस और यहाँ पे इफेक्ट में जाके क्लैरिटी को कर दूंगा हल्का सा डिक्रीज और डीएच को कर दूंगा इंक्रीज। उसके बाद गाइस आप लोग को आ जाना है डिटेल वाले ऑप्शन पे और यहाँ पे कलर नॉइज को यहाँ पे कर देना है 42 और यहाँ पे शार्पनिंग पे जाके शार्पनिंग को कर देना है 16 और यहाँ पे नॉइज रिडक्शन को भी गाइस कर देना है यहाँ पे 23 और यहाँ से बैक आ जाएंगे। तो डन गाइस हमारी फोटो एडिटिंग हो चुकी है। बिफोर आफ्टर मैं आप सबको दिखा देता हूँ। बिफोर फोटो कुछ ऐसी थी और एडिटिंग के बाद कुछ ऐसी हो गई है। तो सेव करने के लिए आप लोगों को शेयर वाले ऑप्शन पे प्रेस कर देना और यहाँ पे सेव कॉपी टू डिवाइस पे प्रेस कर देना है, तो आपकी फोटो गैलरी में सेव हो जाएगी। आई होप गाइस आपको ये वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पर नए हुआ तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।